आज हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से, टुन्ना जी अपने ब्लॉग के माध्यम से कुछ जानकारी देंगे ना, कुछ जानकारी हम लोग शेयर करेंगे। जानकारी क्या शेयर करेंगे कि हाल फिलहाल में बहुत सारे नियम चेंज हुए हैं। नियम क्या चेंज हुए हैं कि अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो उसका भी नियम चेंज हो गया है ना, और साथ में अगर आपको वंशावली बनाना है तो वो भी नियम चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, अब क्या होता है, दोनों चीज के बारे में आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करके आगे मत बढ़िएगा। तो पहले जब भी कोई बच्चा का जन्म या किसी व्यक्ति का मृत्यु होता था तो उसकी सूचना 21 दिन के अंदर में अगर आंगनवाड़ी सेविका को दे दी जाती थी और एक वहां पे फॉर्मेट उपलब्ध होता था जिसको एक इन्फॉर्मेंट, जिसके परिवार में जन्म या मृत्यु हुआ है, 21 दिन के अंदर में जाके उस फॉर्म को फिलअप करता था, तो वहां से आंगनवाड़ी सेविका से ही के माध्यम से ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाता था, बन जाता था। पहले ये नियम था। और वंशावली बनाने के लिए पहले हम लोग जनप्रतिनिधि अपने पंचायत स्तर के सरपंच साहब को जाके बोलते थे, उनके उनको अनुरोध करते थे, निवेदन करते थे, तो वो अपने लेटर हेड पे हमारा जियोलॉजिकल टेबल बना के दे देते थे, वंशावली वंश वृक्ष बना के दे देते थे, वो भी वैलिड था। लेकिन हाल फिलहाल के नोटिफिकेशन से सरकार ने इस दोनों चीज को अमान्य घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब जो है, पहले क्या होता था कि पंचायत स्तर में पंचायत सचिव उप रजिस्ट्रार होते थे, उप रजिस्ट्रार होते थे जन्म मृत्यु का, ठीक है, सॉरी उप रजिस्ट्रार नहीं, वो रजिस्ट्रार होते थे और आंगनबाड़ी सेविका उप रजिस्ट्रार होती थी। 21 दिन के अंदर में कोई जन्म मृत्यु हुआ तो वो आंगनबाड़ी सेविका अपने रजिस्टर पे रजिस्टर करके वहां से प्रमाण पत्र निर्गत कर सकती थी, और पंचायत के पंचायत सचिव वो रजिस्ट्रार होते थे और उनके पंचायत के जुरिडिक्शन में अगर किसी व्यक्ति का जन्म या मृत्यु हुआ है, 21 दिन से ऊपर भी हो गया है, तो भी वो व्यक्ति वहाँ आवेदन देके ब्लॉक में और पंचायत सचिव के सील और सिग्नेचर से उनका प्रमाण पत्र निकल जाता था। अभी नियम क्या हो गया है कि आपको आपको जन्म या मृत्यु के लिए कुछ नियम पहले वाला ही है कि 21 दिन के अंदर अगर जन्म मृत्यु हुआ है उसके लिए भी, और 21 दिन से ज्यादा हो गया, साल हो गया, दो साल हो गया, पांच साल हो गया, सबके लिए एक फॉर्म भरना होगा और अपने सांख्यिकी पदाधिकारी जो प्रखंड में बैठते हैं ना ब्लॉक में, उनके पास एक आवेदन देना होगा जिसमें पंचायत सचिव का सिग्नेचर, आपके वार्ड मेंबर का सिग्नेचर, आपके ग्रामीण चौकीदार का सिग्नेचर, ये सब उसमें डालना होगा, कुछ विटनेस ये सब का, गवाह का सिग्नेचर कराना होगा। वो फॉर्मेट आप ब्लॉक में जाके जमा कीजिएगा, उसके बाद एप्लीकेशन जमा होगा, एप्लीकेशन पर मतलब जांच होगी, और जांच होने के बाद अगर सही पाया गया तो सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी आपका जन्म मृत्यु डेथ बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से सरपंच साहब के द्वारा जो वंश वृक्ष वंशावली बनाया जाता था वो भी अब अमान्य हो गया है। अब आपको सरपंच साहब नहीं, पंचायत सचिव बनाएंगे वंशावली। वंशावली का एक आवेदन सभी जगह उपलब्ध है, वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, ब्लॉक में भी उपलब्ध है, फॉर्म बेचने वाले की दुकान में भी उपलब्ध है। वहां से आप एक उसका आवेदन का प्रारूप लेंगे, उसको प्रॉपरली भर लेंगे, और भरने के बाद जिन जिन से साइन कराना है जांच के दौरान, उन सभी लोगों से, उन जनप्रतिनिधि से साइन करवा लेंगे। साइन करवा के और आप एक क्या कहते हैं, जो नोटरी पब्लिक से एफिडेविट बनवा के दे देंगे, उसमें लगा देंगे कि आपका वंश वृक्ष क्या है, और सभी जनप्रतिनिधियों के सिग्नेचर और गवाह और नोटरी पब्लिक के एफिडेविट के अकॉर्डिंग पंचायत सचिव अपने तरफ से भी जांच करके और आपका वंशावली बना के उसके उस वंशावली के नीचे अपना सिग्नेचर मोहर
उसके पास प्रारूप फॉर्म में फॉर्म जो उसका होता है उसी में उसका भी फॉर्मेट है और उसको भर के प्रॉपरली अपना साइन और सील मार के आपको वंशावली इशू कर सकते हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में एक चीज और बताना हम चाहेंगे आप लोगों को कि अगर 21 दिन के अंदर में जन्म या मृत्यु कोई हुआ है तो उसके लिए कोई एफिडेविट डालने की जरूरत नहीं है, नहीं है, ठीक है। उसके लिए वही आंगनबाड़ी वाला फॉर्मेट जो पहले था जन्म मृत्यु के लिए उसी को भर के और नया वाला जो एप्लीकेशन है उसको उसमें अटैच करके और सभी जनप्रतिनिधि चौकीदार उसके बाद पंचायत सचिव सबसे सिग्नेचर करा के ब्लॉक में आप डालेंगे बिना एफिडेविट का, फिर भी आपका वो बन जाएगा। और 21 दिन से अगर ऊपर हो गया है और साल भर से नीचे है, साल भर के अंदर मतलब वन ईयर के अगर बीच में आप प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो नोटरी पब्लिक का एफिडेविट लगेगा, ठीक है। और अगर एक साल से ज्यादा हो गया है, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको एफिडेविट जो दीजिएगा जन्म मृत्यु के लिए वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। तो आप लोग, हम समझते हैं कि हमने आप काफी जानकारी वाली बात टुन्ना जी ब्लॉग के माध्यम से सभी लोगों को दे दिए, है ना? ना? तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या कहेंगे? तो मैं बोल देता हूँ, तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पापा अभी बहुत जानकारी दिए हैं, ये फोन आने लगा, उठाओ उठाओ बोलो बोलो कान में लगाओ। हेलो मामू है, मामू तो बोल दो फटाफट की, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एंड करिए ब्लॉग को। अच्छा ये मामू, मामू का बात करा दीजिए मामी से। तो अभी जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्योंकि मामू का फोन आ गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल पर जाओ, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हेलो सी, बाय।